भारत को T20 विश्व कप के लिए हैंडमैन रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की चोटों के रूप में कुछ बड़ी हिट का सामना करना पड़ा। दीपक चाहर और कुछ छोटी या बड़ी समस्याओं को भी चोट लगी है, जिन्होंने हाल के दिनों में कुछ चैंपियन को महत्वपूर्ण श्रृंखला और टूर्नामेंट से दूर रखा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान इस मुद्दे को संबोधित करना उनकी प्राथमिकता होगी। बिन्नी द्वारा आयोजित बधाई समारोह में बिन्नी ने कहा, हमें यह पता लगाना होगा कि खिलाड़ी इतनी बुरी तरह से क्यों और कैसे घायल हो जाते हैं। हमें यह पता लगाना होगा कि वे इतनी आसानी से क्यों टूटते हैं। अभी नहीं, बल्कि पिछले 4 और 5 वर्षों से कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ, ऐसा नहीं है कि हमारे पास अच्छे कोच या कोच नहीं है। लोड अधिक है या बहुत सारे प्रारूप खेल रहे हैं, कुछ करने की जरूरत है। यह मेरी प्राथमिकता है। आप बुमराह को 10 दिन पहले नहीं छोड़ सकते विश्व कप और फिर इसकी जगह कौन लेगा। यह महत्वपूर्ण है, इसका सामना करना, 67 वर्षीय ने कहा। बिन्नी ने यह भी कहा कि रणजी ट्रॉफी में पिचों की गुणवत्ता के साथ साथ प्रशंसकों के लिए स्टेडियमों में सुविधाओं में सुधार की जरूरत है। खेल के मैदान अभी भी बहुत नर्म है, वे तेज गेंदबाजों के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको बुनियादी ढांचे का भी ध्यान रखना होगा। 30,000 से 40,000 प्रशंसक स्टेडियम भारत में मैचों के लिए आते हैं, उन्हें सहज महसूस करना चाहिए। भारतीय क्रिकेटरों के मॉडल पर स्थानीय क्रिकेटरों के लिए केंद्रीय अनुबंध की आवश्यकता पर उन्होंने कहा, स्थानीय खिलाड़ियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, उनके पास अच्छी सुविधाएं हैं और अच्छी जगहों पर रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस समय यह आवश्यक है। अनुबंध, हमें क्या चाहिए? रणजी ट्रॉफी के स्तर को बढ़ाने के लिए, यह देश का सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। अभी कुछ समय पहले ईरानी कप हो रहा था, कितने लोग इसके बारे में जानते थे? हमें इसे बदलना होगा, उन्होंने कहा।